ऑप्शन नंबर 34 देखिए, कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखिएगा, तो रिफ्लेक्शन करवाना है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। अब कॉन्वेक्स मिरर के दो ही तो केस होते थे, एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे, और बहुत ही छोटी बनती थी, ठीक है ना। जैसे कि ये कॉन्वेक्स मिरर कहाँ लगे होते हैं, ये एग्जाम्पल है हमारा रेयर व्यू मिरर जो होते हैं कार्स के, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो ट्रक वगैरह भी होती है वो भी हमको मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ती है, और कैसे दिखाई पड़ती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी दिखाई पड़ती है, मतलब जैसी ट्रक है वैसी दिखाई पड़ती है, हमारे रेयर व्यू मिरर में छोटी दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। अब इसमें बच्चे कन्फ्यूज हैं, बोल रहे हैं सर इसको एग्जाम में बनाएं कैसे, तो इसको बहुत तरीके से बना सकते हो। देखो बच्चों, ये पहला तरीका ये है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, यहाँ कहीं इसका पोल है, ये आपका पोल है, और ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है, यहाँ कहीं इसका फोकस है, ठीक। तो हमने क्लास में एक तरीका तो ये बताया है कि इन्फिनिटी से आती हुई रेज पैरेलल होती हैं। अब सर किसके पैरेलल होती हैं, वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमने एक ऐसे भी आपको बनवाया था, अगर आपको याद हो तो देखिए जरा, यहाँ से हम दो रेज पैरेलल लेके आए थे, एक रे तो यहाँ पे टकरा कर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती थी, ठीक है, और दूसरी रे हम पोल पे लेके आए थे, ये देखिए पैरेलल रे फर्स्ट और पैरेलल रे पैरेलल, ये दो आपस में रे वन रे टू इंसिडेंट रेज हैं और पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आती थी, यहाँ पे टकरा के ऐसे ये रिफ्लेक्ट होती थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल कहाँ से आ रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हमने आपको बताया है क्लास में, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा होगा। अब क्या करते थे हम, अगर हम इसको बैक ट्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि बिकॉज जब बैक ट्रेस करें हम तो हमारी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए बच्चों, फोकस पे बननी चाहिए, तो ये कुछ ये ऐसे जब बैक ट्रेस करेंगे तो यहाँ कहीं आएगी, ठीक है, तो ये मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, ये रिफ्लेक्शन हुआ और इसको हमने बैक ट्रेस किया ऐसे, और ये वाली देखिए रिफ्लेक्टेड रे को हमने, बिकॉज यहाँ पे आईज अगर हम लगाएंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी आईज में जा रही है और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे हमारी आईज में जा रही है, इन दोनों को ही तो हम बैक ट्रेस करेंगे, तो ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर वन और ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर टू, इसको हमने रिफ्लेक्टेड रे नंबर वन को हमने बैक ट्रेस किया और रिफ्लेक्टेड रे नंबर टू को जब हमने बैक ट्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पे ये कट कर रही हैं दोनों, ठीक है, यानी कि जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट था, मान लो उसका टॉप पॉइंट ए था, तो ए की इमेज यहाँ मिलेगी ए डैश पे और बी की इमेज यहाँ पे मिलेगी बी डैश पे। तो देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट आपकी इमेज कैसी बनी बताइए, ये इमेज आपकी कैसी बनी बताइए, वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, और दूसरा क्या हो गई बताइए, हाईली हाईली डिमिनिश्ड आप बोल सकते हो या मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो बताइए, मच स्मॉलर देन द व्हाट ऑब्जेक्ट, हाँ, और कहाँ मिली बताइए, बिहाइंड द मिरर एट द फोकस, है ना, लोकेशन क्या हो गई इसकी, बिहाइंड, वैसे तो लोकेशन हमें पहले लिखनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, बिहाइंड द मिरर एट द व्हाट फोकस, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था, ये फर्स्ट हो जाएगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा और हाईली डिमिनिश्ड वाला आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा, यही है। अब इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, पर फिर भी बच्चे डाउट में हैं, तो देखिए आप नेक्स्ट डायग्राम ऐसे बना सकते हो, पता नहीं इसमें बच्चे क्यों कन्फ्यूज़न, मैं क्लियर करता हूँ कि क्यों आपको कन्फ्यूज़न आती है, अभी ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे पोल है, दूसरा डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हो, यहाँ कहीं फोकस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो दूसरा डायग्राम आप देखिए, ये इतनी डिस्टेंस यहाँ पे लोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा कहीं पे, ठीक, तो दूसरी रे आप इस तरीके से बना सकते हैं स्टूडेंट्स कि इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो पैरेलल होंगी, पता है, एक आप रख दो किसके निशाने पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने पे, लो ऐसे रख दो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने पे जो जा रही होगी वो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे वापस आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यही तो नॉर्मल होगा ना, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जीरो डिग्री बना रही, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ जीरो ही तो बनाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आती है यहाँ मिरर पे वही तो नॉर्मल होता है, क्लास में आपको बताया हमने, ठीक है, तो ये देखिए अब इसी निशाने पे हमने ये इंसिडेंट रे लेके आए तो रिफ्लेक्टेड ऐसी हो गई, और दूसरी बच्चों हम लेके आएंगे कहाँ पर, दूसरी रे हम लेके आएंगे इन्फिनिटी से आ रही बच्चों, तो पैरेलल है, रे नंबर वन है इंसिडेंट और रे नंबर टू है, ठीक, पैरेलल कर लीजिएगा, इन्फिनिटी से आ रही तो दोनों पैरेलल होनी चाहिए जो इंसिडेंट रे हैं। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट ये रहा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रहा, ठीक, अब बताइए फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे कहाँ है, ये देखिए एरो हमने ऐसे दिखाया भाई, ये शीशे पे टकराई ऐसे कॉन्वेक्स मिरर पे, ये ऐसे चली गई, और इसको देखिए ये यहाँ पे टकराई पोल पे तो ये ऐसे चली गई, अब आइस में कौन कौन सी रेज आएंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो
इसको भी बैक ट्रेस किया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने पे तो थी ही ये, ऐसी आ गई, और इसको बैक ट्रेस करोगे स्टूडेंट्स तो आपका ये देखिए, ये देखिए, बताइए फोकस पे बना कि नहीं बना, ये देखिए सारे केस वही आ गए कि इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो कहाँ आएगा, ये सारे केसेस को फॉलो कर रहा है, आप चेक कर लीजिए फोकस पे बनाया वर्चुअल एनरेट। अब देखिए बच्चों कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है इसमें, जो तीसरा डायग्राम है वो बहुत ही ईजी डायग्राम है, पर मैं उसको बनाता क्यों नहीं हूँ ये मैं आपको भी बता देता हूँ, बात समझिए जरा। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे कहीं पे आपका पोल है, यहाँ कहीं आपका क्या है बताइए, क्या है यहाँ फोकस है, और इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को बच्चे ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल सही है। आपने प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल दो रेज लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं बताइए, इन्फिनिटी पे, क्योंकि एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज आपको चाहिए। और देखिए बच्चों, ये जब प्रिंसिपल एक्सेस के जब पैरेलल आ रही है, ऑब्वियसली देखो इन्फिनिटी से आ रही आपस में तो पैरेलल है ही, और आपने इनको प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल भी करा दिया, बात समझिए, क्योंकि आपको रूल क्या पढ़ाया गया है कि भाई जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से आती हुई नजर आएगी जब आप उसको बैक ट्रेस करोगे, यही आपने पढ़ा है। यहाँ पे हमने क्या किया इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में हमने रेज इन्फिनिटी से लेके आए हैं, इन्फिनिटी से रेज जो आती हैं वो आपस में तो पैरेलल होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस के पैरेलल हों। तो ये देखिए इन्फिनिटी से रेज नंबर वन रे नंबर टू आ रही थी, आपस में तो पैरेलल है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस के पैरेलल हो। बस हाँ, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जैसे ही मिरर पे पड़े, जैसे ही मिरर पे टकराती है तुरंत लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो हो जाना चाहिए बस, ठीक। तो हमने फॉलो करा दिया, देखिए यहाँ पे ये देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो यहाँ से ये नॉर्मल, देखिए ये नॉर्मल है, तो ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो सेंटर से ऐसे करके आ रही, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सारे काम यहाँ पे भी बच्चों फॉलो हुए, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो था क्योंकि यही तो नॉर्मल है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, जीरो है। यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो रहा है। तो इन्फिनिटी से आती हुई रेस पैरेलल होती हैं, जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो ऐसा बन गया। अब इन्फिनिटी से आती हुई रेस को आपने पैरेलल भी दिखाया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी दिखा दिया। इन्फिनिटी से आती हुई बच्चों, ये रे नंबर वन है और ये रे नंबर टू है, इंसिडेंट रे है, ये मतलब आपस में तो है ही पैरेलल, नो डाउट, इन्फिनिटी से आ रही तो आपस में पैरेलल है, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल रख दिया आपने, तो क्या दिक्कत हो गई बताइए। अब आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये बच्चों, ये देखिए ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सही है। थोड़ा सा इसको बच्चों फोकस इधर बना दीजिए ना, तो बैक ट्रेस में आपको आसानी होगी, सही है। ये रिफ्लेक्ट होके किधर से आते हुए नजर आती, मतलब इसको जब बैक ट्रेस किया जाएगा तो ये इसका रास्ता है, और इसी तरीके से यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्शन हुआ तो इसको जब हमें बैक ट्रेस किया तो ये भी फोकस आते हुए नजर आई। मतलब ये जो दो रेज लेके आ रहे हैं बच्चे, आप ये कहाँ पे मीट कर रही है, फोकस पे, कैसे मीट कर रही है, वर्चुअली मीट कर रही है, यानी कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, बात समझ नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, मतलब ये बड़ी सी ट्रक आपके कॉन्वेक्स मिरर जो कार में लगा है बड़ी छोटी सी दिखती है, जब ट्रैफिक वैफिक लगता है आप कार चला रहे हो तो आप पीछे देखते होगे, ओके, तो ये भी सही है। तो ये मैं क्यों नहीं बनाता हूँ, ये मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए बच्चों फोकस पे इमेज कैसी लग रही है, पॉइंट साइज, क्या बड़ा सा ट्रक पीछे वाला क्या पॉइंट साइज दिखता है, अगर पॉइंट साइज आपके कॉन्वेक्स, प्रैक्टिकली देखो कॉन्वेक्स मिरर जो आपके कार में लगा हुआ है रेयर व्यू मिरर, उसमें अगर बड़ा सा ट्रक पॉइंट साइज का दिख जाता मान लो, तो आपको यही नहीं समझ में आता ना कि गाड़ी कौन सी है, ये ट्रक है कि स्कूटर है, अगर पॉइंट नजर आता है एक तो आपको क्लियर ही नहीं होता, बात समझ आई कि नहीं आई। तो इसलिए मैं ये वाला प्रेफर नहीं करता हूँ। क्या एग्जाम में गलत कर दिया जाएगा, तो जवाब है नहीं, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, जो बनाना है आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप केस याद रखिएगा, इन दोनों में बच्चों फायदा ये होता है कि थोड़ा सा दिखता है मुझे फोकस के ऊपर कि हाँ भाई ट्रक इतना बड़ा बना है, वो बड़ा सा ट्रक इतना बड़ा, मतलब बड़ा का मतलब छोटा होके बना है, तो दिख तो रहा है ना कि हाँ भाई इरेक्ट ट्रक दिख रहा है, मतलब ट्रक ऐसा है अगर उसके पहिए नीचे और छत ऐसे ऊपर है तो ट्रक ऐसा ही दिखेगा आपको, ट्रक ऐसा नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे आप कन्फर्म ही नहीं हो, ध्यान से चेक करो, ये तो पॉइंट साइज हो गई है, पर फिर भी क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, चलो सीधी भी होगी ट्रक, लेकिन जो चीज़ पॉइंट साइज होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ट्रक है कि बस है कि कार है पीछे कि स्कूटर है क्या है, इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। बाकी बच्चों फुल मार्क्स आपको तीनों केसेस में मिलेंगे, जो बनाना हो आप बना सकते हैं, ओके कर लीजिए।